नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। वक्त चला है आज की मुख्य खबरों का। 356/1 में खुलेआम प्रतिबंधित मशीनों से अवैध खनन हो रहा है। हैवीवेट पोकलैन जैसी भारी भरकम मशीनों से किया जा रहा है बड़े जानलेवा गड्ढे। झांसी के दीप्ति गुप्ता के नाम से पट्टा संचालित है। शिवमोहन तिवारी नाम का व्यक्ति पट्टे का संचालन कर रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि रात में और प्रतिबंधित मशीनों को लगाकर नदी की जलधारा से खनन करते हैं। एनजीटी की गाइडलाइन को दरकिनार कर रहे हैं खनन माफिया। खनिज विभाग और खनिज अधिकारी अर्जुन सिंह और खनिज इंस्पेक्टर गौरव कुमार की मिली भगत से ये पूरा खेल चल रहा है। पैलानी एसडीएम शशि भूषण ने अभी 2 दिनों पहले खदान में छापा मारा था, लेकिन खनिज विभाग ने कार्यवाही के बजाय लीपापोती कर दी। विगत 2 वर्ष पहले 2 मासूम बहनों की इन्हीं गड्ढों में डूबकर दर्दनाक मौत हो गई थी। चल रही है ये 356/3 है खपिया। अच्छा, यहाँ कभी घटना हुई थी? हाँ, घटना हुई थी 2 साल पहले। क्या हुआ था? डूब के गड्ढे में डूब गए थे। कौन? बच्चिया? बच्चिया। अच्छा, तो कैसे हुए थे वो गड्ढे? कोई मशीन के खोदे हुए थे। इन्हीं मशीनों? हाँ। अभी भी यहाँ मशीनें चलती हैं? अभी भी चल रही हैं सर। तो रात में और बढ़ाते हैं मशीन? ये रात में बढ़ाते होंगे। अच्छा, रात में पानी से भी निकालते होंगे? पानी से निकालते हैं सर। दिन में दूर रखते हैं? दिन में दूर रखते हैं। अधिकारी आते हैं कभी? अधिकारी नहीं आए, एक दिन आए रहे हैं। हाँ। दिन में आए थे तो मशीन खड़ी रही है। हाँ। हटा दिया होगा? हटा दिया होगा। तो जो ये मशीनों से बड़े बड़े गड्ढे करते हैं, आप लोगों का जीवन यापन इसी नदी से होता है? नहाना धोना यहीं से होता है। तो कभी नदी पार करते समय डर लगता है? डर लगता है। क्या लगता है? गड्ढे कहीं गड्ढे में डूब जाए तो क्या करें, इसीलिए डर लगता है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लाइव टीवी समाचार के साथ। नमस्कार।